see in the previous videos in the previous video tutorial we have learned about the different types of mirror and image formation of the, these different types of mirror so now in this uh, video tutorial i am going to discuss about the uh, different types of uh, mirrors and their use so first we are going to discuss about the distinguishing the between three types of mirror

कि प्लेन मिरर के द्वारा जो प्लेन मिरर के जस्ट सामने अगर कोई इसी तरह का को कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है सो so, ये जो इमेज बनेगी वो विल बी ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसके जस्ट सेम साइज़ की इमेज का फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर के द्वारा नाउ द सेकेंड इज द कॉन्केब मिरर सो कॉन्केब मिरर इज द कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग मिरर सो इट मीन्स दैट द इमेज विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट्स तो इसके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो ऑब्जेक्ट्स की बजाय बहुत बड़ी इमेज बनेगी उससे थर्ड टाइप्स ऑफ मिरर इज कॉन्वैक्स मिरर सो द इमेज विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट तो ये हमें तीन पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि प्लेन मिरर के द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो बिल्कुल सेम साइज़ का बनेगा सेकेंड कौन के मिरर के द्वारा जो भी इमेज बनेगी वो लार्जर होगी ऑब्जेक्ट की बजाय लार्जर होगी और थर्ड वन है कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से जो भी इमेज बनेगी वो उससे छोटे साइज की होगी तो अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ के मिरर फर्स्ट ऑफ ऑल वाट आर द यूज इन आवर डेली लाइफ ऑफ सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस यूज ऑफ कौन के मिररस फर्स्ट ऑफ ऑल कौन के मिररस आर कॉमनली यूज इन टॉर्चेस सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरल बीम ऑफ द लाइट सो हमें ये याद रखना है हमेशा क्वेश्चन किसी तरह से आ जाता है कि कौन के मिरर का यूज़ कहाँ पे होता है तो कौन के मिरर का यूज हमारी डेली लाइफ में टॉर्चेज में हम यूज़ करते हैं कौन के मरर का सर्च लाइट जो भी होती हैं उनमें इसी का यूज़ किया जाता है कौन के मिरर का और की जिससे कि पावरफुल व्यू दिखाई दे सके बीम दिखाई दे सके अच्छे से व्यू दिखाई दे सके सड़क पे, इसलिए हम हेडलाइट्स जो व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती हैं उनमें भी हम कौन के मिरर का यूज करते हैं सेकंड थिंग सेविंग ए सेविंग मिरर टू प्रोड्यूस लार्जर इमेज ऑफ फेस टू फैसिलिटेट बेटर व्यूंग ड्यूरिंग सेविंग तो सेविंग के लिए जो भी हम मिरर का यूज करते हैं वो सेविंग मिरर्स में कौनके मिरर का यूज होता है क्यों क्योंकि वो बेटर व्यू दे पाता है उससे आ, जो फेस का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है इसलिए वो बेटर व्यू दे पाता है इसलिए सेविंग मिरर्स में भी कौन के मिरर का यूज़ किया जाता है ना थर्ड वन इज़ बनि कौनके मिरर इज़ यूज बाई डेंटिस्ट टू सी द लार्जर इमेज ऑफ टीथ ऑफ द पेशेंट पेशेंट्स के जो टीथ डेंटिस्ट जो होते हैं टीथ का जो इमेज देखने के लिए क्योंकि वो लार्जर इमेज देखनी होती हो इसलिए मिरर्स में भी डेंटिस्ट का जो मिरर होता है उसमें कौन के मिरर का यूज़ किया जाता है जिससे कि बेटर व्यू उनको दिखाई दे सके टीथ्स का वैन ए टूथ इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल द कौन के मिरर प्रोड्यूस ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द टूथ हम कौन के मिरर से इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है लास्ट वीडियो हम देख चुके हैं जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल दोनों के बीच में अगर रखा जाता है तो उसका जो इमेज का जो बनती है वो मैग्नीफाइड इमेज बनती है वो जो ऑब्जेक्ट से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो मैग्नीफाइड होता है मींस बहुत लार्जर होता है जिससे कि हम बेटर व्यू डॉक्टर जो है बेटर व्यू देख पाता है टूट्स का नाउ द नेक्स्ट इज द एस रिफ्लेक्टर इन सोलर फरनेंस सौर भट्टियाँ जो होती हैं सोलर फरनेंस जो होती हैं है, उनमें रिफ्लेक्टर के लिए के मिरर का यूज किया जाता है सो बाय यूजिंग कौन कैमर इन सोलर फर्नेंस द कंसनट्रेट रेज ऑफ सनलाइट इज ऑप्टेन एट फोकस विच प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट बिकॉज ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन हम देखते हैं कौन कैमर से जब बच्चे या जब हम छोटे थे तब हम देखते थे कि कौन कैमर का यूज हम लाइट को कन्वर्ज करने के लिए लाइट की रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करने के लिए और कागज़ जलाने का काम करते थे जो सन की एक छोटी इमेज बनती थी तो इसलिए ये जो लाइट की रेज को कन्वर्ज कर देती हैं बिल्कुल एक पॉइंट पर कंसनट्रेट कर देती हैं सो तो इसका यूज़ सोलर फरनेंस में किया जाता है सोलर फरनेंस में आ, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है नेक्स्ट इज डॉक्टर्स हैड मरर टू सी डिटेल ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स लाइक नोज ईयर्स एट्सेट्रा डॉक्टर भी ज़्यादातर कौन के मिरर का ही यूज़ करते हैं उनके हेड्स डॉक्टर्स हेड मिरर जो होता है वो भी एक मिरर ही होता है जिससे कि वेरियस बॉडी पार्ट्स को अगर देखना होता है तो उसकी लार्जर इमेज उनको दिखाई देती है और इसके अलावा इंडेस टी एंटीना टू फोकस सिग्नल डिस टीवी के जो सिग्नल के लिए जो यूज़ करते हैं एंटीनाज होते हैं उनमें भी कॉन्के मिरर का यूज किया जाता है जिससे कि वो उसके सिग्नल को ठीक से सेट किया जा सके तो इस तरह से आ, कौन के मिरर का यूज़ किया जा सकता है डेली लाइफ में ना वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज़ यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर तो कॉन्वैक्स मिरर का ही कहाँ यूज़ किया जा सकता है तो कॉन्वैक्स मिरर इज यूज इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल सो दैट द ड्राइवर कैन सी द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड पहली बात तो यह है कि हमने पहले ही ऊपर ही हमने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज का जो फॉर्मेशन करता है वो ऑब्जेक्ट्स की बजाय थोड़ा छोटा करके दिखाता है वो तो इसलिए गाड़ी जो व्हीकल्स होते हैं व्हीकल्स में रियर व्यू देखने के लिए पीछे से कौन सा व्हीकल आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है उसका व्यू देखने के लिए रियर व्यू देखने के लिए कॉन्वैक्स मिरर का यूज किया जा सकता है किया जाता है जिससे कि ड्राइवर आसानी से देख सके कि पीछे से जो व्हीकल आ रहा है वो कौन सा व्हीकल है इसे छोटी इमेज करके दिखा देता है जिससे पता चल जाता है पूरा व्यू दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं कि कॉन्वैक्स मिरर इज इज यूज इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल सो दैट द ड्राइवर कैन सी द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड द फील्ड ऑफ द व्यू द फील्ड ऑफ द व्यू इज़ वाइडेस्ट इन केस ऑफ कॉन्वैक्स मिरर कॉन्वैक्स मिरर में उसका थोड़ा व्यू अच्छे से दिखता है विच एनेबल इट टू शो ए वाइडर एरिया फ्रॉम बिहाइंड आराम से हम पीछे वाले जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं उन सबको हम देख पाते हैं और सेकेंड वन इज द कॉन्वेक्स मिरर इज यूज ऑन हेयर पेन वैंड ऑन द रोड कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है जहाँ पे आ, आ, रोड पर जो मोड होते हैं हेयरपिन मोड जो आता है उस हेयरपिन मोड के जब पर जो यूज़ किया जाता है वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जा सक किया जाता है क्यों क्योंकि वो इमेज को क्या करके दिखाता है बहुत छोटा करके दिखाता है तो उससे लार्जर बहुत सारे एरिया को वाइडेस्ट एरिया को कवर किया जा सकता इसलिए, road, so band. जो band जो है इसलिए कॉनवेक्स मिरर इज़ यूज ऑन हेयर पेन बैंडस ऑन द रोड सो दैट द ड्राइवर कैन सी द ट्रैफिक अप्रोचिंग फ्रॉम द अंदर साइड ऑफ द बैंड जो बैंड जो मुड़ा हुआ जगह है वहाँ से पूरा व्यू दोनों साइड्स का व्यू देखने के लिए कॉन्वैक्स तो हमेशा ध्यान रखना है कि रोड पर जो हेयर पेन बैंड जो होते हैं उन पर जो यूज़ किया जाता किया जाता है वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है व्हीकल्स की रियर व्यू देखने के लिए भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है तो आप आपको मालूम चल गया है कि कौन के मिरर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ किया जा सकता है और तीन पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं कि प्लेन मिरर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमेशा सेम साइज़ का बनेगा और कौन के मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा लार्जर होता है ऑब्जेक्ट की बजाय और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो भी इमेज का फॉर्मेशन होता है वो स्मॉलर होता है देन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बनता है इसलिए इस इसका जो इमेज का जो फॉर्मेशन है ये इम्पोर्टेंट है इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उसी की वजह से इनका डेली लाइफ में यूज किया जाता है ओके नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला एंड द मैग्निफिकेशन पावर सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉ मिररर फार्मूला व्हाट इज़ ए मिररर फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानने की जरूरत है कि मिररर फार्मूला क्या होता है वट डू यू मीन बाई मिररर फार्मूला सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ द मिररर फार्मूला ए फार्मूला विच प्रोवाइड ए रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ व्हाट वी कैन से वट वी कैन से A formula which provide a relation between image distance image distance means image distance means V here we are using V the distance of image from the mirror that is called V we are using V so a formula which provide a relation between image distance mean V object distance that is u and focal length F. ए स्पेरिकल मिरर इज नॉन एज द मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला सो बट वी कैन से ए फॉर्मूला विच प्रोवाइड ए फॉर्मूला विच प्रोवाइड ए रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस वी ऑब्जेक्ट स्टैंड यू एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ ए स्पेरिक स्पेरिकल मेरर इज नॉन एज द इज नॉन एज द मिरर फॉर्मूला सो वी कैन रिप्रजेंट इट मेरर फार्मूला वन अपॉन एफ is equal to 1 upon v plus 1 upon u and here v is equal to the distance of image from the mirror u is the distance of object from the mirror and f is the focal length of the mirror so by using this formula we can find out the uh, find out the focal length the distance of objects from the mirror and distance of the image we can find out now we are coming to the next step is sign conventions sign convention and what is this sign convention so sign convention for a reflection by a spherical mirror so we are going to discuss about the sign convention what is sign convention so, so reflection of light by a spherical mirror follow a set of sign conventions called the new cartesian sign convention in this convention the pole here in this convention the pole of the mirror is taken as the origin here the pole of the mirror is taken as a the origin the principal axis this one x and x' dash, x to x' dash. so the principal axis of the mirror is taken as the x axis any x to x' dash of the cordian system coordinate system so द कॉन्वेंसन फॉर एक्सपायरी कर मिला आर एज फॉलो किस तरह से होगी ये कॉन्वेंशन किस तरह से होगी सो वी कैन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मरर्थ ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट जो रखे जाए रखा जाएगा प्लेस किया जाएगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाएगा जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो आप दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में पोल से लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाता है सो so, दिस इम्प्लाइज देट द लाइट्स फ्राम द ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन द मिरर फ्राम द लेफ्ट हैंड साइड तो जितनी भी जितनी भी लाइट्स गिरेगी जितनी भी रेज आएंगी इंसिडेंट रेज आएंगी वो सभी लेफ्ट साइड से आएंगी ऑब्जेक्ट साइड से और उसको रखा कहाँ है पोल से लेफ्ट साइड में जो भी ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है तो जितनी भी इमेजेस जितनी भी रेज आएंगी वो सभी की सभी लेफ्ट हैंड साइड से आएंगी सो बट वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ़ द मिरर फ्रॉम हेयर दिस इज पोल एंड पोल से लेफ्ट साइड में और पोल टू ये राइट right साइड है एक्स साइड राइट साइड है और एक्स डैश साइड लेफ्ट साइड है सो so, हम कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ़ द मिरर

नेगेटिव इमे की जाएगी और अगर पोल से राइट right साइड की तरफ है तो उसको पॉजिटिवली कैलकुलेट किया जाएगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑल डिस्टेंसेज पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आर प्रिंसिपल एक्सेस आर मीजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर तो पोल जो है मिरर का जो पोल है उससे ही डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाएगा या तो लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव यूज़ किया जाएगी डिस्टेंस को सो ऑल द डिस्टेंस मीजर टू द राइट ऑफ द ऑरिजन ओरिजन से यानी पोल से जो राइट साइड में जो भी डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाएगा वो टेकन एज ए पॉजिटिव उसको पॉजिटिव यूज किया जाएगा और लेफ्ट एंड साइड की तरफ जो भी जितना भी डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाएगा पॉजिटिव उसको हम नेगेटिवली यूज करते हैं सो टेकन एज नेगेटिव इधर की साइड में जो भी डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे पी से उसको नेगेटिव कैलकुलेट करेंगे और पी से राइट right साइड की तरफ जो भी यूज करेंगे डिस्टेंस को यूज करेंगे वो पॉजिटिवली यूज करेंगे तो ये समझ में आ, आपको आ गया कि पॉजिटिवली किधर पोल से राइट हैंड साइड और पोल से लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिवली यूज किया जाता है नाउ डिस्टेंस एस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबाव टू द प्रिंसिपल एक्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव अब देखिए पोल से परपेंडिकुलर ऊपर की साइड में अगर देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस को जो कैलकुलेट किया जाएगा अपर साइड में उसको यूज़ किया जाएगा पॉजिटिव और नीचे की साइड में जो एम साइड में एम साइड में जो यूज किया जा रहा है जो पॉजिटिव है और नीचे की साइड में एन साइड में जो यूज किया जा रहा है ये इसको हम नेगेटिवली यूज़ करते हैं हाइट ऑन नेगेटिव दिस फ्रॉम एयर फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सेस प्रिंसिपल एक्सेस के परपेंडिकुलर सो वैट वी कैन से द डिस्टेंस मीजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस एज मीजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस आर टेकन एज नेगेटिव सो अपसाइड में जो यूज किया जाता है प्रिंसिपल एक्सेस से उसको पॉजिटिवली और डिस्टेंस को पॉजिटिवली लिया जाता है और जो अब बिलो बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस जो कैलकुलेट किया जाता है उसको नेगेटिवली यूज किया जाता है तो दिस इज द साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना है ऑब्जेक्ट्स और उनका पोल से जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिवली और पोल से राइट हैंड साइड में पॉजिटिवली और दूसरा हमने बताया है कि प्रिंसिपल एक्सेस के अबब में जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट की जाएगी वो पॉजिटिवली यूज की जाएगी और जो प्रिंसिपल एक्सेस से बिलो जो डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाएगा वो हमेशा नेगेटिव यूज किया जाएगा तो दिस इज द साइन कन्वेंशन नाव वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट द मैग्नीफिकेशन वो इज मैग्नीफिकेशन मैग्निफिकेशन क्या है तो मैग्निफिकेशन द मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो दोनों का रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सो दिस इज दिस रेशियो इज कॉल्ड द मैग्नीफिकेशन सो वी कैन से दैट मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द इमेज टू द हाइट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट It is usually represented by the letter M. So we can say that magnification M is equal to height of the image that is H dash and upon height of the object that is H. So we can say that M is equal to H dash upon H. So relation among magnification, distance of object and distance of image. सो so, मैग्नीफिकेशन M इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज दैट इज़ V एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ यू बी है हमें पहले से ही पता है कि जो हम इमेज की जो डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी साइन द्वारा और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू के द्वारा सो so, हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू क्योंकि यहाँ पे v जो यूज किया गया है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है और वी यू इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट सो वी कैन प्लेस द वैल्यू ऑफ दिस v एंड u और डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सो वी कैन से दैट m इज इक्वल टू एच डैस अपॉन एच इज इक्वल टू v अपॉन u क्योंकि एच डैस जो है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है और एच यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम एच डैस अपॉन एच की बजाय हम लिख सकते हैं वी अपॉन यू सो एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू वेयर एम इज़ मैग्निफिकेशन एच डैस इज द हाइट ऑफ द इमेज एच इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस एंड यू इज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सो Magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size the height of the object is taken to be positive as the object is usually placed above the principal axis and the height of the image should be taken as positive for virtual image and as negative for the real image अब ये तो हम पहले समझ चुके हैं कि रियल इमेज जो बनती है वो हमेशा फ्रंट लेफ्ट साइड में ही बनती है फ्रंट साइड में बनती है कौन के मिरर के में तो जो फ्रंट साइड में बन रही है रियल इमेज है तो रियल इमेज हमेशा जो बनेगी वो इमेज जो बनेगी वो हमेशा नेगेटिवली कैलकुलेट की जाएगी और जो वर्चुअल इमेज जो होगी वो हमेशा पॉजिटिवली कैलकुलेट किया जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे की साइड में प्रिंसिपल एक्सेस से बिलो साइड में अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो हमेशा नेगेटिवली साइन के रूप में यूज की जाएगी और अगर प्रिंसिपल एक्सेस से अबव की तरफ अगर किसी तरह का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिवली ली जाएगी जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सो वाट वी कैन से दैट ए नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स डेट द इमेज इज रियल अगर इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है और उसमें नेगेटिवली साइन आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो रियल इमेज है ए पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट द इमेज इज वर्चुअल तो आप इमेज इस साइन नेगेटिवली और पॉजिटिव साइन के द्वारा आप पहचान सकते हैं कि जो नेगेटिव अगर इमेज बन रही है नेगेटिव अगर इमेज बन रही है तो वो हमेशा रियल इमेज होगी आपको याद रखना है और अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है इमेज फॉर्मेशन में तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो पॉजिटिव इमेज बन रही है तो इसका मतलब है कि वो वर्चुअल इमेज है वर्चुअल इमेज है तो आपको बिल्कुल इन साइन कन्वेंसन्स का यूज कैसे करना है मैग्नीफिकेशन में साइन नेगेटिवली साइन आ रहा है पॉजिटिवली साइन आ रहा है तो आपको बस साइन को देखते ही नेगेटिवली और पॉजिटिव को देखते ही आप पहचान सकते हैं कि पॉजिटिव साइन आ रहा है तो उसका जो वो इसको इंडिकेट कर रहा है कि उसका जो इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है नेगेटिवली साइन जो है वो वो दिखाता है कि जो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हमें वो रियल हो रहा है तो आज हमने सीखा कि प्लेन मिरर के द्वारा किस तरह का इमेज uh, का फॉर्मेशन होता है फिर हमने देखा कि कॉनकेब मिरर के, के द्वारा किस तरह के कि इमेज का फॉर्मेशन होता है और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा किस तरह की कि इमेज का फॉर्मेशन होता है सो वी हैव लर्न अबाउट द प्लेन मिरर कॉनकेब मैक्स मिरर एंड दे आर यूजेज ऑफ द दीज इमेज यूजेज ऑफ मिरर मूजेज ऑफ कॉन्वैक्स मिरर एंड यूजेज ऑफ प्लेन मिरर एंड नेक्स्ट वी हैव लर्न अबाउट द मिरर फार्मूला तो मिरर फार्मूला के बारे में हमने जाना मिरर फार्मूला से हम निकाल सकते हैं कि इमेज की डिस्टेंस कहाँ कितनी है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है और फोकल लेंथ को हम इससे निकाल सकते हैं फोकल लेंथ हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट हमने साइन कन्वेंसन देखा साइन कन्वेंसन में हमने ये देखा कि जो प्रिंसिपल एक्सेस के एबॉब में जो भी हम ऑब्जेक्ट्स होगा या इमेज बनेगी वो पॉजिटिवली साइन के रूप में यूज़ की जाती है और अगर बिलो उसके बन रही है तो उसको नेगेटिवली यूज़ किया जाता है अगर पॉज लेफ्ट साइड में अगर है तो वो नेगेटिवली है और राइट right साइड में अगर है पोल से राइट right साइड में पोल इज द सेंटर पॉइंट सो पोल से राइट right साइड में पॉजिटिव पोल से लेफ्ट साइड में नेगेटिव प्रिंसिपल एक्सिस से अबोव पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो नेगेटिव ये भी हमने जाना इसके बाद हमने मैग्नीफिकेशन जाना मैग्नीफिकेशन से हम मैग्नीफिकेशन पावर ज्ञात कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मिरर uh, की और उसके बाद में हमने इसका थोड़ा सा देखा कि नेगेटिवली साइन क्या रिप्रजेंट करता है और पॉजिटिवली साइन क्या रिप्रजेंट करता है नेगेटिवली इमेज है तो वो हमें बता रही है कि वो रियल इमेज है और पॉजिटिवली अगर साइन आ रहा है इमेज में तो इसका मतलब हम जान पाए कि उससे पता चलता है कि वो एक वर्चुअल इमेज है तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं